गाइज, आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट फ्रेजेस सीखेंगे जिस फ्रेजेस के मदद से आप आपके इंग्लिश को और भी फ्लुएंट करा सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट फ्रेज है नाजायज़ फ़ायदा उठाना। नाजायज़ फ़ायदा उठाना, इसके लिए हम फ्रेज यूज़ करते हैं टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ। टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ, दैट मीन्स नाजायज़ फ़ायदा उठाना। यहाँ पर जो टेक आप देख रहे हैं, ये एक मेन वर्ब है जो कि टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, जैसे कि टेक, टू, टेकन, टेकिंग, टेक्स। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपके ये फ्रेजेस की यूज को और भी अच्छे से समझ में आ जाए। हमारा पहला एग्जांपल है मेरी शराफत का नाजायज फायदा मत उठाओ। मेरी शराफत का नाजायज फायदा मत उठाओ। डोंट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ माई डिसेंसी। Don't take undue advantage of my decency. Next is, तुमने मेरी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया। You took undue advantage of my compulsion. You took undue advantage of my compulsion. देखिए, ये सेंटेंस जो है ये पास्ट इंडिपेंडेंट में था, इसलिए हमने वर्ब के सेकेंड फॉर्म यूज कर दिए took. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो अपने पापा के पैसों का नाजायज फायदा उठाता है। वो अपने पापा के पैसों का नाजायज फायदा उठाता है। ही टेक्स द अनड्यू एडवांटेज ऑफ हिज फादर्स मनी। ही टेक्स द अनड्यू एडवांटेज ऑफ हिज फादर्स मनी। क्लियर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट फ्रेज। नेक्स्ट, जैसे हम कहते हैं मेरी बेवकूफी थी या फिर मेरी बेवकूफी है, इसके लिए हम इंग्लिश में फ्रेजेस करते हैं इट इज फुलिश ऑफ या फिर इट वॉज फुलिश ऑफ। मेरी बेवकूफी है, इट इज फुलिश ऑफ, मेरी बेवकूफी थी। अगर आपको पास्ट में बोलना है तो आप बोलोगे इट वॉज फुलिश ऑफ। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको यूज करनी है इट इज फुलिश ऑफ या फिर इट वॉज फुलिश ऑफ, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसा करना मेरी बेवकूफी थी। ऐसा करना मेरी बेवकूफी थी। इट वॉज फुलिश ऑफ मी टू डू सो। इट वॉज फुलिश ऑफ मी टू डू सो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम पर भरोसा करना मेरी बेवकूफी है। तुम पर भरोसा करना मेरी बेवकूफी है। इट इज फुलिश ऑफ मी टू ट्रस्ट यू। इट इज फुलिश ऑफ मी टू ट्रस्ट यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुमसे बात करना उसकी बेवकूफी है। तुमसे बात करना उसकी बेवकूफी है। इट इज फुलिश ऑफ हर टू टॉक टू यू। इट इज फुलिश ऑफ हर टू टॉक टू यू। अब देखते हैं हमारा थर्ड फ्रेज। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं किसका जोर है, किसका जोर है, जैसे हम बोलते हैं किस्मत पर किसका जोर है, समय पर किसका जोर है। सो किसका जोर है, इसके लिए हम इंग्लिश में फ्रेज यूज करते हैं हु रूल्स ओवर। Who rules over? इसके बाद हम जिसके बारे में बता रहे हैं यानी एडजेक्टिव के बारे में बता रहे हैं, हम इसको यूज कर देंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। समय पर किसका जोर है, समय पर किसका जोर है। Who rules over the time? Who rules over the time? किस्मत पर किसका जोर है। Who rules over the luck? Who rules over the luck? Next example, जिंदगी और मौत पर किसका जोर है, जिंदगी और मौत पर किसका जोर है। हु रूल्स ओवर लाइफ एंड डेथ। हु रूल्स ओवर लाइफ एंड डेथ।